नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 और मैं हूं आपके साथ रीशु चौधरी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बाबा रामदेव, भ्रामक विज्ञापन के मामले में कोर्ट ने पेश होने को कहा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी। आर्थिक मोर्चे पर चीन से मुकाबला करने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग पर देना होगा ध्यान, जयशंकर का बयान। तमिलनाडु के त्रिची में बस और लॉरी की टक्कर में 2 की मौत, 10 से अधिक यात्री हुए घायल। चित्रकूट में डंपर ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 5 की मौत, 3 गंभीर रूप से हुए घायल। बिहार बीजेपी सांसद अजय निषाद आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस में हुए शामिल। पिछली सरकारों में केवल गुंडे सुरक्षित थे, आज वे खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, सीएम योगी का बयान। वरुण के मुद्दे पर मेनका गांधी बोली, इलेक्शन के बाद देखते हैं, अभी लंबा समय है। केरल के कोल्लम में ऊंची समुद्री लहरों के कारण घरों में घुसा पानी, कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। सुल्तानपुर विशेष अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई आज तक के लिए चली। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबीएन 24।